कट कट करण, कहाँ चले गए थे आप? हम कब से आपको ढूंढ रहे थे। अच्छा आपको कुछ नहीं हुआ, आप ठीक ठाक हैं। और करण, ये सब क्या है? करण कौन है? सात का आंकड़ा तुम सब पर बहुत भारी, तुम सब पर बहुत भारी। करण नहीं हूँ, यहाँ ढूंढ करण कौन है। अरे क्या हुआ, नहीं क्या अभी आना है यार। रेडी सर, रेडी। अरे ये हमारे पति करण है और हम इनकी पत्नी आभा। यार ये जूनियर्स, माय गॉड। करण बताइए ना इन्हें। अरे तू सर, मैं देखता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। इधर आ, फोटो ले ले मेरी, मैं ही तेरा करण। करण हाँ, जानते थे आप मजाक कर रहे हो, इतना
इतना डर गए थे हम। जानते हैं ना हमें ये सब पसंद नहीं है। ये हमें आपका वॉलेट मिला इसलिए हमें पता चला। कितना घबरा गए थे आपके बिना। कोई बात नहीं। पापा को क्या बोलते? कहाँ ढूंढते आपको? मुझे इंसाफ चाहिए। ए क्या रे, आएगा नहीं आएगा? हाँ सर। अरे कहाँ जा रहे हैं? अरे शूट पे यार। चलिए। तू पागल है क्या? जूनियर से बड़ा परेशान है यार। चलो चलो ब्रेक। चुप कर। करण ये क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मर गया। जैसे मेरा बेटा मर गया। मेरा बेटा चाहिए। बिरयानी और रायता। अरे पापड़ भी है बे। और आज तो पेड़े भी हैं। लाइव सेट है हमारी। चलिए आपको खाने की पड़ी है। चलिए घर चलिए। तू तो गले पड़ती जा रही है। पागल हो गई है क्या? मैं तुझसे कह चुका हूँ मैं सिद्धार्थ कुमार जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन। देखा नहीं श्वेता तिवारी के साथ मेरा आइटम सॉन्ग मस्त था ना एकदम। देख मैं भोपाल से हूँ। ओके दे दे रायता दे। चम्मच दो। बिरयानी खाओगी? नहीं खाओगे? देखो मैडम मैं ना फुकट में कुछ भी नहीं करता। सिद्धार्थ कुमार हर चीज का दाम लेता है। ओके और तुम्हारे साथ मैं इतनी डायलॉग बाजी कर चुका हूँ वो भी फुकट। सिद्धार्थ दाम? करण ये सब क्या है? ये सिद्धार्थ ये दाम ये सब बंद करिए ना ये मजाक। चलिए घर चलते हैं। तुम क्या बोल रही है? कुत्ते दुल्हन के कॉस्ट्यूम में आ गई हैं। अब चाहती मैं इनका पति बनके इनके घर चलूं? फोकट में आप यूनियन के रूल्स नहीं जानती मैम। जाइए पढ़ गई। गो गो। ये सब क्या है करण? परेशान करना बंद करिए। चलिए ना घर। कहाँ गए हो? चलिए करण। 50 बार बता चुका हूँ सिद्धार्थ कुमार हूँ एक्टर भोपाल से। पति हूँ पति हूँ पति हूँ पति जैसा दिख रहा हूँ इसको मैं। ले पकड़ पति से शक्ल मिल रही। पकड़ पकड़ पकड़। पति के हाथ धुल। पति परमेश्वर के हाथ धुल। चलिए आइए। गुड। क्या है करण? देखो मैं करण नहीं हूं। मैं सिंगल नो मैरिज। मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं हूं। वो नीचे खाई में गिर गया। अब हो सकता है उसका बैकअप हो गया। Oh.
आपने किए पर पछतावा हो रहा होगा ना आपको। क्या एक माँ से उसके बच्चे को अलग करके अच्छा किया आपने? प्रतिभा, ऐसी बात नहीं है। मैंने जो भी किया हम सबके भले के लिए किया है। किसका भला किया आपने जुड़वा भाइयों को अलग करके? हाँ, तुम्हारा पति वो करण जो मैं हूँ तुम्हें ऐसा लगता है वो गिर गया खाई में, ठीक है, हो सकता है उसका पैकअप हो गया और तुम यहाँ खड़ी हो वो निकला ऊपर। तुम सुनो, हमारे करण को कुछ नहीं होगा, समझे? औरत होने का फालतू फायदा उठा रही हो तुम, समझी? मैं तुम्हारा करण वाला नहीं हूँ, तुम्हारा करण गया वो खाई में, जाके ढूंढो उसे। अरे पहले गले लगाया अब चाटा मार रही है। दर्शन चल रहे, सुट्टा मार के आते। चलो जल्दी बैठ। ये हमारे करण नहीं हो सकते, वो हमसे कभी इस तरह का मजाक नहीं कर सकते। इनका सिर्फ सिर्फ चेहरा करण से मिलता है, तो फिर करण कहाँ है? पापा, वो मेरा जुड़वा भाई था, मेरा सबसे अच्छा दोस्त हो सकता था। आपने ऐसा क्यों किया? करण बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझे पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैंने तुम्हें और भाई को जुदा कर दिया। मुझे प्लीज माफ। I'm really sorry son। मेरा एक और भाई है पापा, और मुझे उस बात की खबर भी नहीं पापा। क्यों पापा क्यों? अपने सबका हक छीना, अपने परिवार का, एक बेटे का, एक माँ का, एक भाई का। नहीं, मेरी वजह से किसी के साथ नाइंसाफी हो गई थी, उसी का खामियाजा भुगत रहा हूँ मैं। के 777 हारने के बाद मुझे जब पता चला कि अनजाने में मैंने किसी निर्दोष को गलत सजा दिलवाई, उसकी एकलौती औलाद मेरे कारण उसे दूर हो गई, एक मां के साथ मैंने नाइंसाफी की, उसी गलती का पश्चाताप करने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ये बच्चा तिवारी और उनकी पत्नी को दे दीजिएगा। और मुझे आज तक आपने इस बात से अनजान रखा कि मेरे एक नहीं दो बेटे हुए थे। मुझे तो पता भी नहीं कि मेरा दूसरा बेटा कहाँ है। बताइए मेरा वो बेटा कहाँ है, बताइए। अबे साले, तेरा इतना यूनिक नाम है रणछोड़ तिवारी, तूने अपना नाम क्यों चेंज किया? रणछोड़ तिवारी, शे कोई नाम है इंडस्ट्री में हम लोग, यार किस्मत कैसे चमकेगी? नाम में स्टाइल होना चाहिए, वजन होना चाहिए। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ कुमार। अगर किस्मत ये हमारे साथ करती ना पापा तो भी ठीक था, पर ये हमारे साथ आपने किया है। अरे ऐसा तो कोई सौतेला बाप भी नहीं करता पापा। आपने अपने खुद के खून अपने बेटे को हर हक से दूर रखा, अपने प्यार से, अपने नाम से, परिवार के प्यार से। नहीं, ऐसा नहीं था। मैंने पूरी कोशिश की कि उसके बारे में पूछताछ करूं, उसका ख्याल रखूं।
लेकिन अचानक मुझे एक दिन पता चला कि तिवारी जी उनके परिवार के साथ भोपाल से मुंबई चले गए। उस दिन से लेके आज तक मैं उसका चेहरा देखने के लिए तरस गया हूं बेटे, तरस गया। तुम लोग तो अनजान थे उसके बिछड़ने से, लेकिन मैं मुझे मालूम होते हुए भी कितना दुख सहा है ये सिर्फ मैं जानता हूं। सुना तूने, इन्होंने दुख सहा है इन्होंने। दुख इन्होंने सहा है। आप तो अपने परिवार के साथ आराम से अपने महल में रह रहे थे और मेरे पास मेरे बाप के नाम पर ये था, साथ साथ साथ, और दुख आपने सहा। वेरी गुड। मेरे साथ मेरी जिंदगी का एक दिन नहीं बिताया और दुख आपने सहा है, जगमोहन प्रसाद। हाँ, 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 मैं मानता हूं मैं एक अच्छा बाप नहीं बन पाया। तेरी किसी भी जरूरत, कोई भी ख्वाहिश मैं पूरी नहीं कर सका। नहीं था जब पहली बार तूने पापा पुकारा होगा मुझे, नहीं था जब पहली बार तेरी उंगली पकड़कर स्कूल, नहीं था जब तूने पहला कदम लिया होगा। मैं कुछ नहीं कर सका, कुछ भी नहीं कर सका। कहाँ गए सब लोग? करण, करण किधर गए? मैं सच कहा था, सुनो प्रतिमा, मैं सच कहा था, झूठ नहीं, मैं सुनो ना मेरी बात। अपने भाई को लेके आएगा, हाँ, भाई को लेके आएगा, कायकरण आएगा, आभार करण आएंगे, मुझे पूरा यकीन है वो लेके आएंगे। मैंने सच कहा था, क्यों नहीं यकीन करे मेरा? मैडम कुछ पता चला इंस्पेक्टर? मैडम गाड़ी को हम लोग ढूंढ रहे हैं, हमें उस खाई में कुछ सामान मिला है, इसे आप देख लीजिए, शायद आपके पति का भी हो सकता है। मैडम क्या है कि खाई बहुत गहरी है, लेकिन जहां हमें सामान मिला है
उस एरिया के आगे से हमने कार्रवाई शुरू कर दी है।